को लेकर जा रहे हैं वो उम्मीदवार है हेमंत पुरोहित। हेमंत पुरोहित एक आंदोलन है, हेमंत पुरोहित एक विश्वास है, हेमंत पुरोहित जनता की उम्मीद है और हेमंत पुरोहित हर संकट में और हर खुशी में यहां साथ में खड़े रहने वाला व्यक्ति है। हेमंत पुरोहित को आज से पहले भी सबने आजमाया है और आने वाले समय में भी सब आजमा लेवे। हेमंत पुरोहित ही हमारा उम्मीदवार है और हेमंत पुरोहित आने वाली 6 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं को राधे राधे। आप सभी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए पधारे, इसके लिए मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज का ये निर्णय वैसे तो हम जोश के साथ में ले रहे हैं पर बहुत ही भारी मन के साथ भी हम ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारा निर्णय सिरोही की जनता के लिए, सिरोही के भविष्य के लिए, सिरोही के युवाओं की राजनीति के मार्ग को तय करने के लिए, सिरोही के स्थानीय युवाओं की राजनीति को तय करने के लिए और हमें दत्तानी का युद्ध भी याद आता है जब बाहरी आक्रमण हुए तो हमारे राव सुल्तान जैसे सूरवीरों ने उन बाहरियों को भगाने के लिए हजारों हजारों की तादाद में इस सिरोही देवनगरी के वासियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। आज प्राणों की आहुतियां देने की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र के अंदर वोट से राजा तय होता है और वोट से जनप्रतिनिधि तय होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक मीडिया में ये कहते हैं कि यहां तो बारी का ही भविष्य है, यहां स्थानीय है कौन? तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि आज भी सिरोही देवनगरी के अंदर राव सुल्तान के वंशज और उनके साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा उन सभी के वंशज आज भी सिरोही की देवनगरी के अंदर जिंदा है, मरे नहीं है। और हम जो बाहरी और जाति के दबाव से, ये तो एक राजस्थान के अंदर एक बात चली थी कि ये नाती का बाड़ा, ये सिरोही देवनगरी कोई नाती का बाड़ा नहीं है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उदयपुर का यहां का विधायक बनेगा, बनेगा तो नहीं, जो ये तय करके आए हैं तो वो पाली का, यहां के किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष जालोर का, यहां की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हरियाणा की, व्यापार करने हुए आए लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हाल सिरोही की देवनगरी का कर दिया। व्यापार और धंधा करने के लिए आए हुए लोग हमारे ऊपर राजनीति करेंगे? ये धरा हमारी, जमीन हमारी, भाई हमारा, सगे हमारे, संबंधी हमारे, काका हमारी, काकी हमारी, पड़ोसी हमारे, भाई हमारे, सब हमारे, और बोलते हैं कि हम यहां जीतेंगे तो आप लोग कैसे जीतोगे? जनता के बीच में हम रहते हैं, हम कार्यकर्ता इन नसों का खून निकाल निकाल के हमने जनता की सेवा की है। कोरोना काल के अंदर हम लोग जनता के बीच में, सिरोही की जनता के बीच में हम खड़े रहे। आपको जो ही लगा कि पहली लहर आ गई क्वारंटाइन, दूसरी लहर आ गई क्वारंटाइन, माननीय ओटाराम जी देवासी आपने कभी सिवन की नदी पार करके कोरोना काल में यहां के हालचाल नहीं पूछे? यहां 72,000 से 75,000 सिरोही की जनता कोरोना से त्रस्त थी, ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, खाद्य सामग्री नहीं थी, आप कहां थे? कई ऐसे मुद्दे हुए यहां पे सिरोही में, 5 साल तक आप कहीं नहीं दिखे। आज आप चुनाव लड़ने के लिए फिर वापस लौट आए, सिरोही की जनता ने एक बार आपको बाहरी के तौर पे नकार दिया था, आपके बात समझ में नहीं आई। और बात करते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है, ये बकवा छोला पहन के हम भी घर से निकलते हैं। सरहद के उस पार सिरोही का अंतिम गांव
हालीवाड़ा, यहां पर एक समाज हिंदुत्व के लिए लड़ रही है चुनाव, और हालीवाड़ा के नदी के उस पार कलापुरा में चले जाओ, वहां जातिवाद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो पूरा विश्व देखता था, और आप ही जाति के नेता कांग्रेस के खेमे के अंदर मंच में कह रहे थे जाति का वोट जात को दो, तब आपके हिंदुत्व का मुद्दा कहां चला गया था। आज हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिरोही के हिंदुत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति सोचने में मजबूर हो गया कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम कब यहां पे स्थापित होंगे, हम कब तक मोर्चों प्रकोष्ठों में महामंत्री उपाध्यक्ष मंत्री सचिव प्रभारी के रूप में हम कार्यरत रहेंगे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी की कमांड भी आपने तो उदयपुर को दे दी, यहां पे एक सीट जनरल की वो आपने पाली को दे दी, किसान यहां पे दुखी है, जालौर में तो नर्मदा नहर भी आती है, तो किसान यहां के दुखी है, और नर्मदा नहर से उठाया हुआ किसान यहां का जिला अध्यक्ष बन गया। नोएडा वहां पे कारोबार है, किसी के दाल की फैक्ट्री है, किसी के मार्बल की फैक्ट्री है, किसी के जीरे की फैक्ट्री है, और यहां की महिला सुबह अपने बच्चों को घर पे भूखा प्यासा छोड़ के जाती है मजदूरी के लिए, और एक बहुत बड़ी सेठानी को आप यहां की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बना देते हैं, वो हमारी महिलाओं का दर्द क्या जानेगी कि हमारी महिलाएं कैसे जिंदा है, कैसे घर पे वो अपनी रोजी रोटी को क्या करती है, अपने कलेजे के टुकड़े को घर पे छोड़ के जाती है, अब बढ़िया सिल्क की साड़ियां पहन के मीटिंगों में आके भाषण ठोक के आप चले जाते हो, हमारा दर्द कौन समझेगा। यही विडंबना लेके हमें हमारा चाहिए, हमें इस धरा का चाहिए, इस देवनगरी का व्यक्ति चाहिए जो हर एक आम कि मेरा परिवार कहां दुखी है कहां सुखी है, मेरे परिवार में दुख कहां है। आप तो मौत पर भी हमारे काम के नहीं हो, हिंदू संस्कृति के अंदर कहा गया है कि कंधा देना सबसे बड़ा धर्म है, किसी की अर्थी निकल रही हो और आप उसको कंधा दे दो ये सबसे बड़ा धर्म है। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 12 दिन तक क्या आते नहीं है, कंधा देने नहीं आते, फिर आप बड़ी बड़ी बातें, और इतनी मौतें हो गई सिरोही में, आपने जाके किस गरीब के आंसू पहुंचे, किन गरीब बच्चों के सर पे जाके हाथ घुमाया कि मैं खड़ा हूं। इस सिरोही की जनता ने आपको एक बार विधायक बनाया, एक बार आपको मंत्री बनाया, दूसरी बार भी आपको 70,000 से ऊपर वोट दिए, और आप अपनी समाज की मीटिंग में क्या बोलते हो कि कांग्रेस भी हो कि बीजेपी भी हो, ओपन तो अपने समाज रो दीकरो देखाना चाहिए, क्या सिरोही देवनगरी की जो जितनी समाजें रह रही है वो देवतू पे 36 कौम जो आपको वोट करती है, आप ये चल क्यों कर रहे हो हमारे साथ में, आप अपनी समाज को तो ये कह रहे हो, आपने ये संदेश अपने वीडियो के माध्यम से दे दिया कि राड़ीवाड़ा में तो रतन देवासी और सिरोही में ओटाराम देवासी, फिर आप राड़ीवाड़ा में जाके भी रबारी समाज की महासभा बुलाओ, आप रेवदर में जाके महासभा बुलाओ, आप जो अश्विन जी वो माली खड़े हुए हैं जयतारण अविनाश जी मैं भी चाहता हूं, आप वहां पर भी जाके देवासी समाज की महापंचायत बुलाओ और आप कहो कि हिंदुत्व पे आपको वोट करना है, क्यों भाई सारा ठेका सिरोही में रखा है, हम हिंदुत्व के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, यहां पे जितने भी हिंदू समाज के लिए और 36 कौम के लिए और सिरोही देवनगरी के लिए लड़ाइयां लड़ी है ये बैठी हुई लाइन आप देख लो, हमने लड़ी है, मुकदमे हमने चले, सुरेश जी सगरवंशी सिरोही नगर परिषद के सभापति के दावेदार होते हुए भी मुकदमों के अंदर उनका नाम
हमारे नाम खारिज हो गया चुनाव में। न जाने हमारे 36 कौम के कितने नेता सपने देख देख के सड़क लोग सितार गए। जितेंद्र सिंह जी चढ़ुवाल जैसे व्यक्ति को मैं याद करता हूं, तो दबंग नेता था, आपने उनको भी किनारे कर दिया। परमल सिंह जी भटाला जैसे दबंग नेता को याद करता हूं, आपने उनको भी किनारे कर दिया। केसाराम जी पुरोहित धंधा को मैं याद करता हूं, आपने उनको भी किनारे कर दिया। विजय सिंह जी राजपुरा खेड़ा को मैं याद करता हूं, आपने उनको भी किनारे कर दिया, जिन्होंने चने और गुड़ अपनी जेब में रख के जब भी भूख लगती थी तो चने और गुड़ खाते थे और पानी भर पेट पीते थे, एक मुट्ठी चना खाते थे, दो मुट्ठी भी चने नहीं मिलते थे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। मैं भूबाराम जी माली को भी याद करता हूं, जिन्होंने चने खाके भारतीय जनता पार्टी आज वो कहां है, आपने कभी इनका विचार भी आपके मन में नहीं आया। उनका परिवार क्या कर रहा है, उनका परिवार सुखी है या दुखी है, उनकी धर्म पत्नी अपाहिज हो गए खाट पे पड़ी है, आपने कभी भी जाके उनके सिराने बैठ के ये नहीं कहा कि भाभी जी आप चिंता मत करो संगठन आपके साथ है, ऐसा विचार आपके अंदर नहीं आया। आपके तो विचार यही है मैं चुनाव लड़ू, मैं मंत्री बनू, मेरा बेटा यहां गाड़ी लेके घूमे, मेरा घरमैन यहां पे काम करे, मेरा पीए यहां पे काम करे, बाकी विकास की बातें कहां है। ओटाराम की देवासी दो बार विधायक रहे, मंत्री रहे, यहां के नेता रहे, केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ओटाराम की देवासी आई है मंच पे और हमें बताइए एक सिंगल कार्यकर्ता के सामने उंगली करके ये बता दो तो इस कार्यकर्ता को मैंने स्थापित किया, उसको रोजगार दिलाया है। ओटाराम जी चाहते तो उपमल टोल पे हमारे 200 कार्यकर्ता वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकते थे। यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर हमारे हजारों कार्यकर्ता रोजगार पा सकते थे। यहां मार्बल के व्यवसाय है, यहां पे राम मंदिर की भी कढ़ाई यहां पे होती है। रोजगार के नाम पे सुनिए, हम ये कहते हैं हमारी पहले से भी मांग थी कि हम जहां भी सिरोही के लिए जो वैकेंसियां सरकारी वैकेंसियां हो उसके अंदर हमारी भागीदारी तय हो। ओटाराम जी देवासी आज तक उस विषय पर बोले नहीं, ये बड़ी विडंबना के साथ में बड़े दुख के साथ में हमें यह कहना पड़ता है कि आज मैं 36 कौम का आशीर्वाद लेके स्थानीय का मुद्दा मैंने 4 महीने पहले ही एक सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो मैंने डाला था। वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है और उस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और जीत का लक्ष्य लेके हम, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव को चुनाव के तरीके से जो राष्ट्रीय पार्टियां लड़ती है उस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। हर घर तक जाएंगे, हर उस युवा तक जाएंगे जो हमारे घरों में बेरोजगार बैठा हुआ है, कारीगर ले लेके इधर इधर घूम रहा है, उस तक जाएंगे और एक विकल्प के रूप में हम जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता एक विकल्प ढूंढ रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी तो इन सभी निराश कार्यकर्ताओं को जो निराशा जिनके हाथ में की आज तक, उन सभी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आइए जुड़िए स्थानीय के मुद्दे पे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आज भी अगर आप स्थानीय के मुद्दे के लिए टाइम नहीं रहे और आप नहीं जुड़े तो आने वाली पीढ़ियां शायद ही हमें माफ करें। करिए राम सुल्तान को याद, दत्तानी के युद्ध को, तो बारी के पधारे के लिए सक्षम रहे और कितनी बहनों ने भाइयों के बिना रक्षाबंधन मनाए थे, कितनी माताओं ने अपने पति के बिना करवा चौथ मनाई थी। उन सभी के बलिदानों को याद करते हुए इस लोकतंत्र के अंदर भी स्थानीय का मुद्दा होना चाहिए और स्थानीय ही हमारा विधायक या हमारा राजा होना चाहिए, इस बात को हमें तय करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।